आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। मशरक प्रखंड क्षेत्र में दो दो बार आई विनाशकारी बाढ़ से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं अभी भी कुछ इलाकों में पानी से टूटी सड़क की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरौली पंचायत में बाढ़ से आधा दर्जन सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। अभी भी पंचायत के देवरिया नहर से कवलपुरा बहादुरपुर राजापट्टी होकर गोपालगंज जिले की सीमा को जोड़ती है। यह ग्रामीण सड़क SH-73 को SH-90 से जोड़ती है, जिससे दर्जनों गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी सड़क से पहली बार आई बाढ़ से डूबे गांव के लोग चचरी पुल से जा रहे थे, जिसकी मरम्मत बहरौली पंचायत के मुखिया द्वारा की गई। वहीं दूसरी बार आई बाढ़ से सड़क फिर से बहकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने फिर से बांस की चचरी पुल बनाकर आ जा रहे हैं। वहीं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रखा गया। इसके साथ इसी पंचायत के देवरिया बाजार से गांव में जाने वाली सड़क पर बांस के ऊपर प्लाईबोर्ड रखकर लोग आ जा रहे हैं, पर कोई सक्षम अधिकारी ध्यान नहीं दे रखा है। मामले में गांव वाले बताते हैं कि बाढ़ की टूटी सड़क पर लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रखा। वहीं पंचायत के मुखिया से भी शिकायत करने पर कोई मदद नहीं मिल रही है। मशरक से हरि किशोर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये रास्ता जो है दुमदुमा शिव मंदिर से आता है और मठिया होते हुए दुमरसन जाता है, फिर इस तरह मोहम्मदपुर तक चला जाएगा। या जब से बाढ़ आया है तब से इस रास्ते की स्थिति जो है बहुत खराब है। उस पहले बार मुखिया जी, फर्स्ट बार जब आया था बाढ़, तो मुखिया जी इसको ठीक कराए थे, यहाँ चाली वगैरह लगाए थे, फिर पानी कम हो गया तो भरवा दिए। उसके बाद फिर बाढ़ आ गया, उसके बाद से यह मतलब बनवाया गया है। लेकिन यह हमारे जो सर जो कोचिंग चलाते हैं अपने बच्चों के आने के जाने के लिए, फिर बोले कि नहीं पानी भी निकलेगा, इसको फिर से ठीक कराए हैं। अभी वो अपने फंड से कराए हैं, लेकिन खास करके ये सर जी का सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोगों को भी जरूरत है कि आने जाने में। और इस गांव से मठिया हुआ है, बहुत लोग आते जाते हैं, इसलिए अब देखिए इसको हमारे मुखिया जी जो है अब इस रोड को कब तक बनवा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आया हुआ जी, आपके गाँव में नेता सब आ रहे हैं वोट मांगने? नेता लोग तो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं है कि हाँ क्या किया जाए, कोई काम जो बाकी है उसको पूरा किया जाए कि नहीं किया जाए। सबको सिर्फ वोट की चिंता, सबको केवल वोट का। हाँ, अभी यहाँ पर लोभन दिया जा रहा है कि आपके गांव में ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन फिर वोट खत्म होने के बाद फिर वही हाल होता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनवर आलम। क्या मामला है? सड़क जो है तो दुमदुमा मंदिर के पास से आता है, आते हुए यहाँ डुमरसन होते हुए राजापट्टी तक निकल जाता है। उसके बाद से इसमें बहुत मैंने वाहन जाती है, आती है सामान में जो भी है। गांव के लोग भी बहुत परेशानी हुई, जो बाढ़ से टूटी थी एक बार हम लोग भरे थे, फिर भरने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा पानी है, पानी आदमी बोमा जो है सामने निकाल कर रखे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बांस बने हैं। अभी कोई मुखिया जी से जानकारी दी गई थी? जानकारी दी गई तो वही गिराए थे जो बांध दिए, पहले बार वही भरवाए थे। हाँ, पहले वही गिराए, अब नहीं भरवा रहे। अभी तो पता नहीं अब क्या करेंगे ना करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार साहनी। समस्या है? समस्या ये बात, जब दूसरका बार बाढ़ आई तो फिर पानी से रोड टूटल और फिर आवे जाए में दिक्कत हो गई था। तो अभी केहू ना आई देखे एक जांच करे की केवल उगावता है। कौन गाँव है? देवरिया। कौन पंचायत है? बड़ौली पंचायत। मुखिया जी से जानकारी दी गई? हाँ, मुखिया जी के जानकारी देहल गई बा, लेकिन मुखिया जी अभी कहाँ आई नहीं है ना देखे, कोई मैंने ताकने तक नहीं आया ना अभी तक ले। तो हमें जानकारी नहीं, ये बात क्यों ना आई। क्या नाम है आपका? जरूर।